What's up guys, welcome back to White Collar Business। तो भाइयों मैं एक बार फिर से आ गया हूँ, मुझे देख लो यहाँ पे, मैं रिक्शा में बैठ गया हूँ आपके लिए बजट प्रॉपर्टी। मैंने सुना कि लोग बोल रहे हैं भाई उल्वे जैसे शहर में जहाँ पर इतनी जबरदस्त सड़कें हो, इतना अच्छा एरिया हो, इतना पॉश एरिया हो, वहां पे प्रॉपर्टी जहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की मिल रही है वहां पे सस्ती प्रॉपर्टी लेके आओ। तो भाई मैं आपको पूरा लोकेशन एक्सप्लेन करते हुए सस्ते में प्रॉपर्टी, सामने आप देख रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका 2-3 माला वहां पे बनके रेडी हो चुका है, रनवे भी लगभग रेडी हो चुका है, 2024 में ही एंड होते होते फेज 1 का पोजेशन भी लगभग हो ही जाना चाहिए जिस स्पीड से काम चल रहा है। सामने आपने उल्वे का बोर्ड देख लिया है, ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राइट साइड में टर्न करोगे तो अपना पूरा उल्वे सिटी है। मैं आपको लेके चलता हूं आगे, उल्वे सिटी भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शेयरिंग रिक्शा हो, बस हो, एसी बस हो, हर एक चीज मिलती है। यानी कि वो आदमी जो कम पैसे कमाता है वो भी यहाँ पे रह सकता है, और वो आदमी जो ज्यादा कमाता है वो तो ऑब्वियसली रह सकता है। एरिया आप देखो, बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं यहाँ पे। मैंने रिक्शा वाले भाई को बोला 2 मिनट गाड़ी रोको, मैं यहाँ पे पूरा एरिया घुमाता हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हो मेन सर्कल है, इतना डेवलप हो चुका है उल्वे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े दुकानें, हर एक चीज। मतलब अगर कोई 50 रुपए में खाना खाना चाहता है उसके लिए भी जगह है, कोई 5,000 में खाना चाहता है भाई उसके लिए भी जगह है। आप मेन लोकेशन देख रहे हो यहाँ पे, हर तरीके की बस वस, शेयरिंग रिक्शा सब कुछ यहाँ पे आती है। तो सामने आप देख रहे हो, ये आप देखोगे आपका रेड क्लिफ स्कूल है, अपने प्रोजेक्ट से 3 मिनट के डिस्टेंस पे, 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे ये होगा। आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ स्कूल पूरा जबरदस्त बना हुआ है, सामने ही पिज्जा हट आपको देखने को मिलता है, जो भी सब्जियां ये वो सारी चीजें डेली नीड की चीजें आपको चाहिए वो भी प्रोजेक्ट से नजदीक में मिलती है। यहां से सामने मैं आपको लेके आया हूं, ये आप जो टर्म देख रहे हो यहां पे सामने, जियो ने इतनी जमीनें खरीद के रखी हैं, जियो इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी लोग जियो में जॉब करते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह यहीं पे होती है। तो आप देखोगे जियो ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, सामने रास्ते में आप देख रहे हो सिडको की बिल्डिंगें लगी हुई हैं, मतलब बनी हुई हैं ऑब्वियसली, मतलब यहां पे डिमांड कितना अच्छा है। एक मेन बोर्ड दिखाता हूं, यहां से अपना प्रोजेक्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही होगा मैक्सिमम। सामने आप बोर्ड देखो, 1.66 करोड़ रुपए से प्रॉपर्टी इस एरिया में शुरू होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इसके आधे से आधे से आधे दाम में। उल्वे सामने आप देख रहे हो डेल्टा के टावर्स बने हुए हैं, तो लो डाउन पेमेंट, अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए भी अगर पड़े हुए हैं ना तो भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। यहाँ की तरह नहीं कि भाई 25-30 लाख रुपए अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, यहाँ पे सामने यहीं से बस वस सारी चीजें आपको मिल जाती है, शेयरिंग रिक्शा वगैरह तो है ही, स्कूल बस भी यहाँ पे आती है। सामने आप देख रहे हो मंदिर बन रहा है लगभग 10 एकड़ की जमीन में, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने खुद आके इसका उद्घाटन किया है और इसी के अपोजिट में अपनी बिल्डिंग है। तो लोकेशन आप देखो, सामने आप देख रहे हो ये मेन स्कूल है, ये आप देखो, आप मुझे बताओ कि ये होटल लग रहा है कि स्कूल लग रहा है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, इसी के सामने अपनी बिल्डिंग है। ये आप देख रहे हो ये जो पंडाल लगा हुआ है, मंदिर आपको दिखा रहा हूं मैं सामने, बिल्डिंग के जस्ट बगल में, इसी के बगल में अपनी बिल्डिंग है। राइट साइड में आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा सा गार्डन मुझे देखने को मिला, मतलब गार्डन वार्डन भी अपने प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में, वो भी काफी बड़ा गार्डन। ये तो मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूं। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सामने अपनी बिल्डिंग, और यहां से मैं आपको दिखाता हूं स्टेशन कितना दूर है। मैंने टाइम देखने के लिए मांगा, 3:52 हो रहा था, यहीं से मैं बैठा रिक्शा में और मैं रिक्शा से आपको चल के दिखाता हूं कि कितना टाइम लगता है स्टेशन जाने में। आप सोच रहे हो भाई ये तो रिक्शा में घूम रहा है बहुत दूर होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फोन मैंने रिटर्न लिया, स्टेशन हम पहुंच गए हैं, भाई से मैंने फोन उनका रिटर्न मांगा, टाइम आप देख लो अभी भी 3:52 हो रहा है। मतलब रिक्शा से अगर 1 मिनट भी नहीं लग रहा है तो पैदल आपको कितने, 2-3-4 मिनट मैक्सिमम लगेगा। 4 मिनट तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं यहां से आपको जूम करके प्रूफ भी दिखा देता हूं, ऐसा ना लगे कि कहीं और ही दिखा रहा है। सामने आपका स्टेशन और बगल में अपना प्रोजेक्ट, यहां से मैं आपको आगे लेके चलता हूं और भी चीजें, सैंपल मैम्पल फ्लैट सब कुछ दिखाऊंगा। यहीं पे जहां मैंने आपको बताया था स्कूल वूल दिखाया था, अपना बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। आप देखोगे इसके अंदर पूरा काम कंप्लीट है, 4 माले की बिल्डिंग है, 4 माला बन के रेडी है, बस फाइनल करने का काम चालू है, 2 महीने में पोजेशन हो जाएगा। यहां पे मैं नीचे आया तो नीचे भी मैंने अपना कैमरा बंद नहीं किया भाई, एक एक चीज आपको दिखानी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ भी मिस किया। JSW का सीमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी
कितनी हाई फाई रहने वाली है यहाँ पे, एक एक चीज पे पूरा ध्यान दिया हुआ है। नीचे ये पूरी अच्छी खासी जगह दी हुई है, सामने मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन, मतलब आपके 4 माले का बिल्डिंग है ये, लेकिन उसके बाद भी अपने को इसके अंदर बिल्डर लिफ्ट लगा के दे रहा है, वो भी इतने कम दाम में। 2 BHK अपार्टमेंट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सामने में आ गया फर्स्ट फ्लोर पे, पूरा का पूरा बिल्डिंग बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्डर बाहर आपको दरवाजे पे ये जो चीजें एक्सटीरियर ही लगा के दे रहा है, कोई और बिल्डर नहीं देता है, लेकिन ये आपको करके दे रहे हैं। इससे आपको पता चलता है भाई बिल्डर का काम कितना जबरदस्त है। इनकी डॉक्यूमेंट्री भी मैंने सोची बनाऊंगा, अगली बार अगले हफ्ते लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं जो आप देखना चाहते हो। यहाँ पे आप देखोगे 2 BHK अपार्टमेंट, यहाँ पे एंटर करते ही कितना स्पेस आपको यहीं पे दिख जा रहा है। बाद में आप देखोगे ये पूरा आपका हॉल का साइज, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा है। हॉल का साइज आप देख रहे हो, बहुत स्पेशियस हॉल है। यहाँ पे आपको डाइनिंग वाइनिंग लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो ये पूरी जगह है। राइट साइड में अगर मैं टर्न करूं तो ये आपका वॉशरूम बाथरूम हो गया। इसके अंदर भी आपको पूरी टाइलिंग वाइलिंग करके मिल रही है, करके दिया जा रहा है। सामने हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे आपका किचन स्पेस है और दोनों बगल में आपको बेडरूम देखने को मिलता है। किचन में भी टाइलिंग हाफ वॉल पे पूरी की हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहां से आप देखोगे नीचे जगह काफी है। पहले बेडरूम में हम लोग एंटर करते हैं, ये पहला बेडरूम है। पहला बेडरूम आप देखोगे काफी अच्छा साइज यहां पे आपको पहले बेडरूम का देखने को मिलता है। दूसरा वाला बेडरूम भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद लेके चलता हूं। यहां पे आप देख लो डोर का जो काम बाहर किया है, वैसा ही अंदर भी आपको करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बाहर शो ऑफ करने के लिए लगा दिया, मॉडर्न एमेनिटीज के साथ सारी चीजें आपको दे रहे हैं। दूसरा बेडरूम का आपको मैं स्पेस दिखा रहा हूं, डिसेंट स्पेस आपको दूसरे बेडरूम के अंदर भी देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा दिखता है 2 BHK अपार्टमेंट। इसके बाद यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं और मैंने सोचा भाई यहां पे भी आप देखो काम लगातार चल रहा है। टेरेस दिखाने का आजकल मेरा बड़ा मन करता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख लो, सामने आप देखोगे आपका रेलवे स्टेशन दिखता है, सिडको की बिल्डिंगें यहां से दिख जाती हैं। ये आप देख रहे हो मुंबई को कनेक्ट करने वाले सीलिंग वाला ब्रिज, जो मुंबई सिर्फ 16 किलोमीटर में पहुंचाएगा, वो भी एकदम रेडी है। बाकी की डिटेल्स आपको देता हूं। तो भाई फाइनली अभी तो लगता है मैं टेरेस पे आ गया हूं। अब मुझे टेरेस पे जाके वीडियो बनाने का भी मन करता है, ताकि आसपास में आप देख सको डेवलपमेंट कितना है। और यहां पे जो रेट चल रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे किस दाम में मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा उल्वे शहर है, और यहाँ पे स्टेशन से जस्ट नज़दीक में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सामने पूरा सिडको का प्रोजेक्ट है। इस साइड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो पूरा बिल्डिंग बन के रेडी हो चुका है स्कूल का, सामने मंदिर बनने वाला है, और यहीं पे सामने आपको मुंबई को कनेक्ट करने वाला ब्रिज दिखता है, जो कि सिर्फ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको मुंबई से कनेक्ट करा देगा। अब इतने प्राइम लोकेशन पे, मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया, एक एक 1.5 करोड़ रुपए के यहाँ पे 2-3 BHK मिलता है। तो आप सोचो मैं आपके लिए उससे आधे से भी आधे दाम में लेके आया हूँ। स्पेशल डिस्काउंट बताता हूँ, 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि ये प्रॉपर्टी उल्वे में आती है, खारकोपर रेलवे स्टेशन सबसे 1 मिनट के डिस्टेंस में है, सामने से ट्रेन भी जा रही है लोकल। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देख लो, मतलब इतनी नजदीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको फिलहाल मिल रही है ऑलमोस्ट रेडी टू मूव, 2 महीने में इस बिल्डिंग का पोजेशन है। और डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जो 2 BHK का फ्लैट मैंने आपको दिखाया, 730 स्क्वायर फीट का बड़ा 2 BHK अपार्टमेंट है, और प्राइस है सिर्फ 32 लाख प्लस टैक्सेस। अब यहाँ पे आप आओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 32 लाख प्लस टैक्सेस में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 करोड़ तो बहुत नॉर्मल रेट है, लेकिन आपके लिए बजट प्रॉपर्टी ढूंढ के मैं लाता हूँ तो वैसे ही वापस लेके आ गया हूँ। ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट 2 BHK अपार्टमेंट, 730 स्क्वायर फीट का एरिया, 32 लाख रुपए में, और आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब कुछ करा के मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि भाई सस्ती प्रॉपर्टी है तो क्या पता रजिस्ट्रेशन होता होगा कि नहीं, स्टैम्प ड्यूटी मिलेगा कि नहीं, सब कुछ करा के मिलेगा। अब डिस्काउंट पे आ जाता हूँ, डिस्काउंट में आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे डिस्काउंट कैसे मिलने वाला है। तो अगर आप व्हाइट कॉलर बिजनेस की वीडियो देख रहे हो तो आपको सीधा 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, सीधा 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए का डिस्काउंट कैसे ले सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे आए
और आपने स्पॉट बुकिंग की, जिस दिन आए उस दिन फैमिली के साथ आके स्पॉट बुकिंग की, तो 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि 30 लाख प्लस टैक्सेस में आपका 2 BHK उल्वे जैसे एरिया में ऐसी मेन लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, स्क्रीन पे नंबर दिया है कॉल करो, साइट विजिट आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।